हाँ जी दोस्तों, हुण जिहड़ी असाइनमेंट असीं करन लगे हाँ उह करन लगे हाँ इनवॉइस। असीं एक्सेल दे विच इनवॉइस बनाउणी आ, तां इनवॉइस दा मतलब बिल वी आ। तां एक्सेल विच बनाउण दा सानूं की बेनीफिट होगा? सब तो पहला तां इह असीं ध्यान नाल समझ लीए। एक्सेल च बनाउण दा आपां नूं बेनीफिट इह होगा कि जिहड़े फॉर्मूलास ने इत्थे, ठीक है जी, इह असीं लगा सकदे हाँ। टोटल ऑटोमैटिक हो जाऊगा, टैक्स कैलकुलेट हो जाऊगा, तां सारे फॉर्मूला सिंपल सिंपल जिवें मैं तुहानूं पहलां सिखाए हुए ने, ठीक है ना, फॉर्मूलास दे विच। तां उह सारे फॉर्मूला इत्थे असीं लोड़ अनुसार ऐसे अप्लाई कर सकते हाँ। तां इनवॉइस किस तरह की होनी चाहिए है? ए फोर साइज़ से प्रिंटेबल होनी चाहिए है। असीं जो भी बनावांगे सेल्स नूं मर्ज करके, जिवें आह देखो इनवॉइस तुहाडे सामने बनी हुई आ, मैं सारी बना के नहीं दिखाऊंगा, ये बहुत आसान आ, ठीक है जी। सेल्स नूं आपस में मर्ज कर सकते हैं असीं, ठीक है जी, तो मर्ज करके बना सकते हैं। ओवरऑल जिवें जिवें असीं बनाते जावांगे ना, असीं टाइप करते जावांगे, तां कंट्रोल पी करके देख लेना। कंट्रोल पी दे नाल देखांगे ए फोर साइज़ ते कंप्लीट पूरी आ रही आ। जे पूरी आ रही आ, लुक अच्छी आ रही आ, तां बिल्कुल ठीक आ, ठीक है जी। जिहड़े नॉर्मल साडे को लैटर्स हुंदे ने, नॉर्मल साडे को वर्ड्स हुंदे ने, उहनूं असीं 12 साइज़ विच रखांगे। हैडिंग्स नूं वड्डे साइज़ च रखांगे, जिवें इनवॉइस लिखा इहदे विच, ठीक है जी, इहदा साइज़ वड्डा आ। क्योंकि लुक सानूं लगनी चाहीदी वी जिवें इक बिल हुंदा वा, जिवें असीं मार्केट 'च जाने आ, सानूं बिल मिलदा आ, प्रिंटेबल हुंदा आ, तां उहदी लुक सानूं वधिया आनी चाहीदी आ, जिस तर्हां दा हुंदा आ। तां असीं इह खुद देखांगे कंट्रोल बी करके कि इहदी लुक प्रॉपर बिल वांगू आ रही आ। जे नहीं आ रही तां असीं होर सैटिंग्स चेंज करांगे, किसी दा साइज़ वड्डा करांगे, किसी दा छोटा करांगे, तां लुक बिल वाली आनी चाहीदी आ। तां उस तों इलावा इस कंपनी दा एड्रैस प्रॉपर होवे, ठीक है जी, कंपनी का नाम प्रॉपर होवे, मोबाइल नंबर्स जो जो भी रिक्वायर्ड आ, अगर GST नंबर बिल च हुंदा वा तो वह भी असं लिख देवांगे। तो ये होर भी टैंपलेट सानूं मिल जाएंगे, गूगल तो देख सकते हैं, गूगल पर असं लिखा इनवॉइस, इनवॉइस दे किन्ने वाले टैंपलेट साढ़े को आ गए। फॉर एग्जाम्पल एक आह वाला टैंपलेट देख लीए आप, ठीक है ना जी। इतों देख देख के इस तरह का इनवॉइस भी असं क्रिएट कर सकते हैं। आ किन्ने वधिया वधिया इनवॉइस साढ़े को पे हुए हैं, तां इत्थों देख के। लेकिन बनाउणा असीं एक्सल दे विच आ, ठीक है जी, एक्सल दे विच असीं बनावांगे। तां आ देखो किन्ना अच्छी लुक आ रही है इस इनवॉइस दी, इस तरह दी इनवॉइस भी असीं क्रिएट कर सकते हाँ। तां जिवें जिवें बनाई चलोंगे, कंट्रोल पी करके चेक करते जाऊंगे, तां तुहानूं इस तरह दी लुक आप ही क्रिएट करनी आ जाऊगी। टाइम लगेगा, 1 घंटा लग सकता, 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन जदों तक इस तरह दी लुक दा इनवॉइस नहीं क्रिएट हो जाता, उदों तक इहदे चेंजेस करके अब कंप्लीट किया जाए। ये असाइनमेंट कंप्लीट करके ही नैक्सट ते आना आ। देखो जी, जिहड़ी भी मैं असाइनमेंट सानूं दस रहा वा, जे तुसीं करोगे तां ही रिजल्ट आउणगे, नहीं तां नहीं आउणगे। अगर लगदा भी कई वारी आसान ही आ, कोई नहीं कर लवांगे, पर फिर भी नहीं छड्डनी, कोच दी गल, ट्रेनर दी गल मनणी ही मनणी आ। कंप्लीट कीते बगैर अगे नहीं जाऊंगे। तां इक दो तरह दी इनवॉइस, दो अलग अलग डिज़ाइन घट्टो घट्ट दो जरूर बनाउणे आ, तां ही नैक्सट ते आना आ, तां ही रिजल्ट आउणगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी दोस्तों, एक पॉइंट होर तुहानूं दसना आ इनवॉइस नाल रिलेटेड। इनवॉइस बनाउण दा एक होर बेनीफिट सानूं हैगा आ एक्सल विच बनाउण दा। एक्सल एक तां आपां नूं बाय नहीं करना पैंदा, कई वारी सानूं विंडोज़ दे नाल ही ऑफिस मिल जांदा आ। तां मेन बेनीफिट ये आ, जिहड़ा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर असीं खरीद के पवावांगे तां ही बिल कट पावांगे, ठीक है जी, वह खरीदने की लोड़ नहीं पवेगी सानूं। वो वाला जिहड़ा सॉफ्टवेयर 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार दा सानूं बाय करना पवेगा। इस की है, जेकर असीं एक बार बना के रख लवेंगे एक्सल दे विच, असीं एक कंपनी का एक पार्टी का बिल कटिया, तां उस दियां कॉपियां बना के असीं होर भी बिल कट सकते हाँ। जेकर साढ़े को महीने के बहुत घट बिल कटने होंगे, 2, 4, 5, तां असीं इहदे नाल कट सकते हाँ। इस असीं 2 प्रिंटआउट कट लाँगे, एक अपने को रख लाँगे, एक कस्टमर नूं दे देंगे, ठीक है जी। तां इस तरीके नाल साडा मेन जिहड़ा खर्चा पैंदा वा सानूं सॉफ्टवेयर बाय करन दा, वो साडा बचदा आ। तां इस करके इस दे विच ही इनवॉइस क्रिएट करके रख लो, प्रिंटेबल होवे तां वो सानूं बड़े बेनीफिट दूगा। थैंक यू वेरी मच।